हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मई। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मशरूम की एक रेसिपी। सो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बड़ा बड़ा पीसेस की मशरूम कट कर दिया है और उसके साथ थोड़ी सी पोटैटो। और ये जो पेस्ट देख रहे हैं, मैं ये पेस्ट बनाई है थोड़ी सी बेसन और कॉर्नफ्लावर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिकन मसाला, उसके साथ थोड़ी सी सॉल्ट। ये मैंने मिला के पेस्ट बनाई थी। तो अभी मैं मशरूम को फ्राई कर लूँगी। और मैं पोटैटो भी फ्राई कर लूँगी वैसे ही। और जो ऑयल बचा था, वो ऑयल से मैंने ये नॉनस्टिक कड़े में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं तो ये नॉनस्टिक कड़े में अच्छा बनेगा वो रेसिपी, सो इसीलिए मैंने इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जीरा भुनने के बाद अभी ऑनियन ऐड कर दिया है। ऑनियन भुनने के बाद मैं अभी मटर ऐड कर दूँगी। और इस रेसिपी में मटर ऐड करने से ही उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी भी बना था उस दिन। अब ज़रूर बना के खाइएगा। सो मैं अब ऐड कर दूँगी पोटैटो, क्योंकि पोटैटो को मतलब बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं पहले से फ्राई की लेकिन फिर भी कच्चा था, इसीलिए मैंने पहले से पोटैटो को ऐड कर दिया। तो अभी मैंने ग्रीन चिली भी ऐड करती हूँ। अब सारे मसाला मैं ऐड कर दूँगी, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ी सी गरम मसाला ऐड करके मैं फिर से भूनूँगी। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं थोड़ी सी ऐड की है। अब मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी जो फ्राई हुआ मशरूम, वो मैं ऐड करूँगी। और दूसरी साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऐड किया टमाटो सॉस। ये देखिए, बहुत ही यमी दिख रहा था और यमी भी लग रहा था। दिखने में तो बहुत ही मतलब कलरफुल लग रहा था और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। सो ज़रूर बना के खाइएगा गाइस। तो लंच में मेरा राइस डाल हो गया था, रोटी भी मैंने साइड में बना लिया था। और ये रहा मशरूम का फ्राई, तो हो गया। अभी मैं बना रही हूँ दही का बूंदी। मैं सिंपल वे में बना रही हूँ। मैं दही के साथ, दही थोड़ी सी ठंडा था तो मैं गर्म पानी थोड़ी सी ऐड की, क्योंकि थोड़ा सा वार्म हो जाए दही। अब मैं ऐड करूँगी लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर एंड थोड़ी सी चाट मसाला, और जो ब्लैक सॉल्ट है वो मैं ऐड करूँगी। और थोड़ी सी मैं शुगर ऐड करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं बूंदी ऐड कर दूँगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है। मैं हमेशा मतलब ऑनियन जो मतलब अनियन को फ्राई करके मैं बना देती हूँ, लेकिन इस टाइप का मैं इस बार बनाई तो बहुत ही अच्छा बना था। दही बूंदी बहुत बहुत लाइट भी होता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप ज़रूर बना के खाइएगा। और दही बूंदी को थोड़ी सी बना के रख दीजिए 10 मिनट, फिर बाद में खाइएगा। और ये देखिए हमारा यमी यमी, बहुत टेस्टी एंड हेल्दी लंच, राइस दाल रोटी एंड मशरूम फ्राई विथ सलाद एंड दही बूंदी। सो आफ्टरनून को थोड़ी देर नैप लेने के बाद मैं फिर से आ गई पूजा घर में, तो इवनिंग को दियाबाती करने के लिए। तो मेरा पूजा भी हो गया इवनिंग का, तो अभी मैं आ गई दूध गर्म करूँगी और हस्बैंड के लिए चाय बनाना है।
और गाइस आज जो मैंने मशरूम का रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। एक्चुअली वो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बना था उस दिन, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ज़रूर बना के खाइए। और इवनिंग को बहुत दिनों के बाद हस्बैंड बोले थे कि बाहर से कुछ मंगाए, तो मैं बोला कि नहीं घर में ही कुछ बना लेती हूँ, तो एग चॉप में बना रही थी उस दिन। बाहर से मंगाने से अच्छा है कि आप घर पे ही कुछ बना के खाइए यमी वाला डिश। तो मैं उसके साथ बना रही थी कैप्सिकम फ्राई एंड थोड़ी सी एग की चॉप, मतलब सिंपल सा एग बॉईल कर लिया और उसके बेसन के साथ थोड़े से फ्राई कर रही थी। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करवाने के लिए, बहुत दिन हो गया था हम लोग ऐसे फ्राइड वाला आइटम नहीं खाए थे, तो यहाँ पे देखिए मेरा एग फ्राई एंड कैप्सिकम फ्राई तो यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे मैंने ले रही हूँ चाय। तो ये जो स्नैक्स मैंने खाने के बाद मुझे भी चाय पीने का मन हुआ था, तो मैं भी यहाँ पे मेरे लिए भी चाय अभी भी ले रही हूँ। और हमारा इवनिंग स्नैक्स होने के बाद मेरी बेटी को अभी मैं खिला रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा रूटीन है, मतलब वो मेरी छोटी बेटी को खाना खिलाने के बाद मैं बड़ी बेटी को अभी पढ़ाई के लिए बिठाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी डिनर बनाने। सो इसी तरह चलता है मेरा एवरीडे का रूटीन। अभी छोटी बेटी खाना खाने के बाद वो आधा घंटा या 1 आवर के लिए फिर से नैप लेगी, तो उसी अंदर मैं बड़ी बेटी को यहाँ पे कॉम करूँगी, फिर उसको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। और सुबह जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता है सो उसमें से बहुत सारी होमवर्क भी देते हैं, तो इवनिंग को एटलीस्ट 1 आवर उसके साथ, मतलब मेरी बड़ी बेटी के साथ बैठना ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर बैठती हूँ। तो गाइस इसी तरह चलता है मेरा आजकल का रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।